श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 7 सितंबर 2023 के दिन गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है। देखो आज हम आपको इस वीडियो में शहद से जुड़े 3 महा उपाय बताएंगे। ये जो पहला उपाय है, ये पहला उपाय उन लोगों को करना है जिन लोगों के घर में बहुत ही लड़ाई झगड़े होते हो, आपके जीवन में बहुत ही अंधकार हो, आपको कुछ समझ में ना आता हो कि क्या करे, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी में शहद लेना होगा। शहद जो लेंगे वो आपका शुद्ध शहद होना चाहिए, मगर मिलावट वाला नहीं होना चाहिए, शुद्ध शहद होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपने ये छोटी सी कटोरी में शहद लिया है, और आपको साथ में ही एक और छोटी सी कटोरी लेनी होगी जो कि खाली कटोरी होगी। ये दोनों कटोरियां लेकर आपको भगवान शिवाजी के मंदिर में जाना, जहां भगवान शिवजी की शिवलिंग होगी। आप सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान शिवजी की जो शिवलिंग होती है उसमें भगवान शिवजी का पूरा परिवार विराजमान रहता है। और साथ में आपको ये भी बात पता होगी कि माता अशोक सुंदरी भगवान शिवजी की बहुत ही प्रिय पुत्री है। तो आपको करना क्या होगा, जो भगवान शिवजी की शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उसी स्थान पर आपको जो आप घर से शहद लेकर आए हैं, छोटी सी कटोरी में उसी शहद से आप 7 बिंदियां लगानी होंगी, छोटी छोटी सी लगानी होंगी। और जब आप 7 बिंदियां लगाते हो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसी वक्त आपको उसी समय क्या करना होगा, माता अशोक सुंदरी का स्मरण करना होगा। फिर इसके बाद जब 7 बिंदियां लग जाने के बाद आपको उसी स्थान पर बैठ जाना है और माता अशोक सुंदरी जी से अपनी प्रार्थना करनी है। जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हो, कोई भी समस्या हो, वो आपको माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपने 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाई है, उन्हीं 7 बिंदियों को आपको छुड़ा लेना है और किसी खाली कटोरी में, जो छोटी सी कटोरी हो खाली, उसमें आपको कर लेनी है। फिर उसी कटोरी को आपको अपने घर लेकर चले आना होगा। जब आप अपने घर आ जाएंगे, घर पर आने के बाद जो आपके घर का मेन गेट होगा और जो आप छोटी सी कटोरी में 7 बिंदियां छुड़ा के लेकर आए हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान से, उसी शहद से आपको द्वार पर आपको या करना होगा, एक बड़ी सी बिंदी लगानी होगी। वहाँ पर आपने 7 लगाए की फिर उन्हीं 7ों को छुड़ा कर आपको लेकर आना है और अपने मुख्य द्वार पर एक बड़ी सी बिंदी उसी शहद से लगानी होगी। अगर आपके पास शहद नहीं है और कहीं से मिल भी नहीं रहा है, तो आप इस उपाय को गाय के शुद्ध घी से भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े होते हो, क्लेश होता हो, या आपके जीवन में बहुत ही अंधकार हो, वो बहुत ही जल्द दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के आँखों में काले काले से स्पॉट हो जाते हैं और कुछ लोगों की आँखों में चश्मे लग जाते हैं या उनकी आँखों की रोशनी बहुत तेजी से गिरने लगती है, तो ये उपाय उन लोगों को जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक छोटी सी कटोरी में पिसा हुआ लाल चंदन ले लेना होगा और उसमें थोड़ा सा जल, उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना होगा। पेस्ट बनाने के बाद आपको एक छोटी सी कटोरी में शहद भी लेना होगा और फिर शहद लेने के बाद आपको एक तांबे के पात्र में, कोई भी पात्र हो, उसमें शुद्ध जल भर लेना होगा। और ये तीनों चीजें आपको भगवान शिवाजी के मंदिर में, जहाँ कहीं पर भी आपके घर के आस पास भगवान शिवाजी की शिवलिंग हो, वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। जब आप भगवान शिवाजी के शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे, तब आपको क्या करना होगा, आपको भगवान शिवाजी के शिवलिंग के से ही खड़े हो जाना है और आपको ये मान लेना होगा, जो भगवान शिवजी के शिवलिंग का हिस्सा आपको दिख रहा है वो महादेव का फेस है, और जो आपको भगवान शिवजी की जो शिवलिंग है वो हिस्सा, जो पीछे वाला हिस्सा आपको दिख नहीं रहा है, वो महादेव की पीठ है। तो वहीं पर आपको लाल चंदन का लेप लगाना होगा, कहाँ पर, जो हिस्सा आपको भगवान शिव जी का दिख नहीं रहा है, मतलब भगवान शिव जी के शिवलिंग का हिस्सा आपको दिख नहीं रहा है, वहीं पर आपको लाल चंदन का लेप लगाना होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना, जो शहद आप अपने साथ लेकर आए हैं, उस शहद को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करना होगा। जिस प्रकार आपने लाल चंदन का लेपन किया है,
उसी प्रकार आपको शहद का माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करना होगा और यहाँ पर इस बात का बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप लाल चंदन का लेपन कर रहे होंगे फिर उसके बाद आप जब शहद का लेपन करेंगे तो उसी समय आपको क्या करना होगा, श्री शिवाय नमोस्तु मंत्र का जाप करना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको श्री शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ही लेपन करना होगा। लेपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो आपने लाल चंदन का लेपन किया है उस लाल चंदन को आपको उस स्थान से छुड़ा लेना है और किसी खाली कटोरी में आपको कर लेना है। और फिर उसके बाद जब आप ये लाल चंदन कर ले किसी खाली कटोरी में, फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने शहद का लेपन किया है उस शहद को वहाँ से होगा और किसी दूसरी कटोरी जो आपकी खाली कटोरी हो उसमें आपको उस शहद को कर लेना होगा। ये दोनों चीजें आपको अलग अलग कटोरी में ही करनी होंगी। और फिर आपको करना क्या होगा, जो आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल घर से ही भर कर लेकर आए हैं उस जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना होगा, चढ़ा देना होगा। फिर इसके बाद आपको अपने घर चले आना होगा। घर पर जब आप आ जाएंगे, आने के बाद आपको क्या करना होगा, जो लाल चंदन आप भगवान शिव शिवलिंग से छुड़ा कर लेकर आए हैं और जो शहद आप माता अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर आए हैं उस शहद को आपको क्या करना होगा, काजल जिस तरह आप लगाते हैं उसी प्रकार आपको उस शहद का काजल लगाना होगा। अपनी आँखों में लगाने से होगा क्या, दोस्तों आपकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे भरने लगेगी। यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि आपको केवल शहद का ही आपको आँखों में काजल लगाना है, लाल चंदन का नहीं लगाना होगा। और जो लाल चंदन आप आए होंगे उस लाल चंदन का आपको क्या करना होगा, जो आँखों के नीचे काले काले से दाग धब्बे होते हैं, झाइयां होती है या शरीर में कहीं पर भी दाग धब्बे हो उस स्थान पर आपको लगाना होगा। यहाँ पर इस बात का बहुत ही आपको ध्यान देना होगा कि जो आप लाल चंदन आँखों के नीचे लगाएंगे वो आपका लाल चंदन आँखों में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो भी काले दाग धब्बे होंगे या जो आँखों में झाइयां होंगी वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों अब हम अपने तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। ये जो तीसरा उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपकी बहुत दिनों से मनोकामना कोई भी हो मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आप भगवान शिवा जी से मांगेंगे वो बहुत ही जल्द आपकी पूरी हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले एक बूंद शहद लेना होगा, आपको मात्र एक बूंद ही शहद लेना है। फिर इसके बाद में आपको साथ में लेना होगा लाल चंदन और पीला चंदन, आपको दोनों चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ में आपको लेनी होगी बहुत ही प्यारी सी एक बेलपत्री जो कहीं से भी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके बाद आपको लेना होगा एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल। फिर आपको करना क्या होगा, जो आपने एक बेलपत्री ली है उसमें तीन पत्तियां होती है, उसकी जो बीच वाली पत्ती है जो बड़ी पत्ती होती है उसमें आपको लाल चंदन का लेपन करना होगा। आपको पूरी पत्ती जो बीच वाली है उसमें पूरी पत्ती में आपको करना होगा, कहीं से भी मतलब हरा भाग दिखना नहीं चाहिए। और फिर जो नीचे की दो पत्तियां बची है उसमें आपको पीले चंदन का लेपन करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, आप देखेंगे ये जो तीन पत्तियां होंगी वो तीनों पत्तियां आपस में मिलकर जहां पर भी मिल रही हो वहां पर आपको जो आपने एक बूंद शहद लिया है उस शहद को लगाना होगा। शहद को लगाने के बाद आपको भगवान शिव जी शिवलिंग के पास जाना होगा और उस भगवान शिव जी के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर आपको चढ़ाना होगा, मतलब समर्पित करना होगा। और यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दे कि जब आप बेलपत्री चढ़ाते हो तो जो आपने लाल चंदन पीला चंदन जो शहद लगाया है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करे। आपने जो लाल चंदन पीला चंदन लगाया है वो आपको बेल पत्री की सीधी साइड लगाना है, मतलब जो चिकना वाला भाग होता है उस तरफ लगाना है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस एक बेल पत्री को चढ़ा दे। चढ़ाने के बाद आपको करना क्या होगा, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप माता अशोक सुंदरी जी से मांगना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने घर परिवार के लिए या अपने लिए ही मांगना चाहते हो, वो आपको माता अशोक सुंदरी जी से मांग लेनी है। मांगने के बाद आपको क्या करना होगा, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए जो आप घर से जल लेकर आए हैं, तांबे के पात्र में जो आप जल लेकर आए हैं
उस जल भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर आप अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप माता अशोक सुंदरी जी से मांगेंगे, वो आपकी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करनी है आपको। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।